का स्वागत है मेरे चैनल रति वांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने जो प्योर न्यूज सॉक बोला है वो सही बोला है गाइस, मैंने यूट्यूब पे देखा था, पर हमें एग्जैक्ट कोरियन वे में नहीं प्रोनाउंस कर सकती, पर वो स्पेलिंग ऐसी है और मैंने बहुत अटैम्प्ट किया, मेरे मुँह से वही निकल रहा, तो आप इसी से एडजस्ट कर लो। तो मैं एडवांस में बता रही हूँ। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिचैन और मिंग्याओ की शादी हो गई थी और सब लोग डांस कर रहे थे। इसे हमारे विंग को इस समय सब लोग बहुत प्यार रोमांटिक वे में देख रहे हैं क्योंकि हमारे विंग बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमारे वांग जी को बहुत जेलसी हो रही है। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी और विंग जब बहुत देर तक एक साथ डांस करते रहे तो कहीं ना कहीं जैनचैन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। वहीं बियॉन व्यूसॉक को कंपनी देने उसके फादर और कुरैन मतलब एक तरह से चिंगेजुन और बाकी लोग हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसका ध्यान भी विंग की साइड से हट जाता है। वहीं नैरमयू को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग और वांगजी को एक साथ डांस करते हैं लेकिन जैसे ही म्यूजिक रुकता है तो विंग और वांगजी जैसे ही थोड़े अलग होते हैं तो वहाँ पे नियुसेन विंग को ले जाता है जहाँ वांगजी से ऐसे ही खड़े होकर देखता रह जाता है। अब एकदम से दोबारा से जैनचैन उसके पास कुछ जूस लेकर आता है उसे बात करने के लिए। पार्टी चल रही है, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो ना जाते हुए भी वांगजी वो जूस का ग्लास लेके स्माइल करता हुआ ही जैनचैन से बात कर रहा है। अब मैडम यू जो बहुत देर से भूख रही थी गुस्से में लाल हो रही थी विंग और वांगजी को एक साथ देखे। अब मैडम लैन के पास आके बैठ जाती है और स्माइल करते करते ओ लिली तुम्हारी को देख के कोई बता ही नहीं सकता कि तुम्हारे ही बेटे की शादी हो रही है। देखो तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, ये ड्रेस भी तुम पे बहुत सूट कर रही है। आई नो मुझ पर चाइनीज़ ड्रेस सूट करती है और खासकर आया जो चिंगे जिन चाहते थे कि वो और मैं चाइनीज़ एंटायर ही कैरी करें इसलिए मैंने पहनी है। सचमुच में तुम पे सूट कर रही है। वैसे तुम हर चीज़ में बेस्ट हो, चाहे तुम्हारी ब्यूटी हो, हस्बैंड हो, फैमिली हो, पर पता नहीं क्यों तुम्हारा लक तुम्हारे सन इन लॉज के केस में आके ख़राब हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? आप मैडम यू मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहते देखो शिचैन के साथ तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी मजबूरी थी क्योंकि मिंग्याओ और शिचैन एक दूसरे से लव मैरिज कर रहे थे, पर तुम अपने छोटे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी तुम्हारी बड़े बेटे की शादी एक ऐसे लड़के से हो गई है जिसकी ज़्यादा कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है। मिंग्याओ एक नाजायज बच्चा था, उसे तो उसकी फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। देखो तभी तो आज कोई भी जिन फैमिली से नहीं आया, बस यानली आई है। बट तुम दे और तुम दूसरे बेटे के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो, वो तो एक अरेंज मैरिज है ना। तुम पे अभी भी चांस है अपने बेटे की लाइफ चेंज करने का। देखो तुम्हारे बेटे के लिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छी फैमिलीज़ के ओमेगाज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, पर तुम्हें भी पता नहीं क्यों उस गरीब उस इनडिसिप्लिन उस ट्रबल मेकर ओमेगा से ही अपनी बेटी की शादी करने की सूझ रही है। कहीं ना कहीं मैडम यू जब दोबारा से विंग की बुराई मैडम लैन से करती हैं तो इस बार भी मैडम लैन जो शायद मैडम यू की स्वीट बातों में हमेशा फंस जाती हैं उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हैं और वैसे भी मैडम यू उनकी कपड़ों और ब्यूटी की तारीफ होकर पुली बांधती रहती है तो उन बातों में आकर तुरंत वांग जी की साइड देखती है जिस समय जैनचैन के साथ खड़ा है और स्माइल करते हुए देख रहा है। मैडम यू मौके का फ़ायदा उठा के बोलती है वैसे तो मुझे ये वांग जी और विंग की इंगेजमेंट कभी पसंद ही नहीं थी और सच कहो अगर इन दोनों की इंगेजमेंट ना होती तो मैं तुम्हारे वांग जी के लिए अपने बेटे जैनचैन का रिश्ता देना चाहती। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों कितने फेमस अपने कॉलेज टाइम पे फेमस थे, पूरी सिटी में तुम्हारी और मेरी टक्कर का कोई नहीं था। हम दोनों की फैमिली कितनी रिच और फेमस है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं एज अ फ्यूचर में इन लॉस बनने के लिए। सोचो अगर जैनचैन वी वुशान की जगह होगा तो तुम्हारी कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हारी एक बड़ी फैमिली हमारी फैमिली से कनेक्शन जुड़ जाएगा और जैनचैन वो हर मामले में विंग से बेटर है, एजुकेशन में, लुक में, पैसे में, फैमिली में और मैनर्स में भी। मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे मैनर्स दिए हैं, तुम खुद देख सकती हो, और तुम उस मैनर्स लेस उस ब्रेड उस ट्रबल मेकर से अपने बेटे की शादी करा रहे हो जो आने से पहले तुम्हारे बेटे की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तुम्हारी आंखों के सामने। उसने तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को भी वैल्यू नहीं करी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने बेटे की लाइफ में एक ट्रबल मेकर को लाना चाहिए? कहीं ना कहीं दोबारा से मैडम यू या मैडम लैन के दिमाग में ये बात कहती हैं तो मैडम लैन थोड़ा सा इमोशनल होते हुए और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती पर मैं क्या करूँ, तुम अच्छे से जानते हो ये मेरे हाथ में नहीं है,
ये फैसला मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉ यानी मेरे फादर इन लॉ ने पहले ही ले लिया था, वो पर वो मर चुके हैं। और अगर तुम अपने हस्बैंड को अच्छे से समझाओगी तो वो समझेंगे। वैसे भी मैंने हमेशा देखा है कि तुम्हारे अल्फा हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, और तुम हम और मैं ओमेगा होकर अपने अल्फा को अच्छे से कंट्रोल करना जानते भी हैं, तो इस बात का फ़ायदा उठाओ। सोचो तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत से तुम्हारे बच्चे की लाइफ बदल सकती है, तुम्हें एक बहुत अच्छा बहुत फेमस फैमिली से मिलने रिलेशनशिप बनाने का मौका भी मिल सकता है। वैसे भी ये तुम्हें क्या लगता है जी, वी चांसेस और चांसेस सरन तो तुम्हारे काबिल थे, वो तो इन लोगों ने चाल चली है, वो तुम्हारे थ्रू वो अपने पुराने सपने पूरा करना चाहती हैं। तुम्हें अच्छे से पता है ये कभी भी तुम्हारी फैमिली के इक्वल थे ही नहीं, वो तो तुम्हारे फादर इन लोगों ने इनको मौका दे दिया। सोचो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। कहीं ना कहीं मैडम लैन के दिमाग में अपनी बात डालने के बाद अब मैडम यू पप अपना जूस का ग्लास उठा के वहाँ से चली जाती है, और मैडम लैन परेशान रहती है। थोड़ी देर पहले जो अपने बच्चे की शादी में खुश हो रही थी, उनकी खुशियों को नज़र मैडम यू लगा गई, और वो बेवकूफ़ औरत ये समझ भी नहीं पाई अपने बच्चे की शादी की खुशी की जगह वो अपने दूसरे बच्चे की शादी कहीं गलत हो रही है, ये सोच के मुँह लटका के बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग को रुनी हुसैन खींच के कमरे में चुपचाप से लाता है और बोलता है, वी ब्रदर कहाँ है आपका फ़ोन, कितनी देर से मैं आपको फ़ोन पे कॉल आ रही थी और आपको पता ही नहीं था। ओह वो मैं शायद विंग्यो गगा के रूम में बुलाया था। हाँ वहीं बुलाए थे, शुक्र है भगवान का मैं वहाँ चला गया और मैंने वो फ़ोन पिक कर लिया, वरना कोई और कर लेता तो पता नहीं क्या होता। क्यों क्या हुआ, आपको पता है वो हमने जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म्स भरे थे उनमें से एक कॉन्टेस्ट से हमें कॉल आई है, वो हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपकी फ़र्स्ट एक तरीके से टेस्ट वो फेस टू फेस लेना चाहते हैं, और उसके लिए वो तुरंत आपको बुला रहे हैं। क्या मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, तुम्हें पता है ना अभी तो शादी के फंक्शन चले, कल बहुत बड़ा रिसेप्शन है, पूरे के पूरे टाउन को वहाँ पे बुलाया है, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। वी वेल मैंने सिर्फ आपको एक कॉल पिक की थी इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपको जाना है नहीं जाना है ये आपकी कॉल है, मैं तो सिर्फ आपकी कॉल पिक की थी तो आपको बता रहा था। ओह सॉरी न्यूसन, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता था, बस मैं थोड़ा परेशान था। इट्स ओके वी ब्रदर, मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी ये शिचेंगा की और मिंग्यो गगा की शादी की बात है और वो दोनों आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनका रिसेप्शन मत मिस कीजिएगा। कोई बात नहीं, हम किसी और कॉन्टेस्ट में पार्ट ले लेंगे। ऐसे ही करते हैं विंग, ये बात सोच के अभी तो इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो घर जाता है तो दोबारा से उसको वहीं उसी कॉन्टेस्ट के पर्सन का फ़ोन आता है। वो पर्सन बताता है कि हमने आपके पिक्स देखे, पिक्स में आप हमें अच्छे लगे, इसलिए हम आपके फर्स्ट टेस्ट फेस टू फेस करना चाहते हैं, और कंटेस्टेंट के साथ आप भी आ जाइए कल, मतलब इवनिंग में टेस्ट, परसों मॉर्निंग में टेस्ट है और कल इवनिंग में आप पहुँच जाइएगा, इस तरह से इन्फॉर्म करता है। वहीं विंग अब सोच रहे क्या उसे जाना चाहिए, लेकिन टेस्ट तो परसों है ना, तो ठीक है वो रिसेप्शन के बीच में यहाँ से चुपचाप से चला जाएगा और सुबह मतलब नेक्स्ट डे टेस्ट देने के बाद वो सबको मतलब बता देगा। अभी उसके पास मौका है, वो दोनों काम कर सकता है। इस बात को सोच के वो तुरंत उस पर्सन को हाँ कर देता है, वो पर्सन भी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। विंग ने ये बात नी हुसैन तक को भी नहीं बताई कि वो कल जाएगा, क्योंकि उस नी हुसैन के सामने तो उसने मना कर दिया था और नी हुसैन को लगा था शायद विंग अब नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सब लोग अब बड़े रिसेप्शन की जो पहले हुआ वो एक सिर्फ फैमिली गैदरिंग और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में वेडिंग हुई थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा रिसेप्शन पार्टी होने वाला है, एक बहुत बड़ा एक तरह से डिनर होने वाला है जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज जो भी मतलब कॉर्पोरेशन के अंडर में हैं, जो भी कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग रहते हैं, छोटे से लेके बड़ा मेंबर, हर किसी को इनवाइट करके एक बिग ग्रैंड डिनर पार्टी या पार्टी हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है जिसमें सब लोग बिजी हैं आज मॉर्निंग से, क्योंकि एक ग्रैंड लेवल पे हो रही है तो बहुत सारे लोगों को गैदर करना है, अलग अलग जगह छोटे छोटे से डिनर टेबल सेट करनी है, एक इस तरह से पूरे के पूरे बड़े से ग्राउंड में कल्टिवेशन वर्ल्ड का जो एक बड़ा सा ग्राउंड है उसमें डेकोरेशन करी गई है, प्रिपरेशन में यहाँ तक कि जंग फैमिया वैन रोहान और वी चांसे मतलब लानकुरैन और चिंगेजुन सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पांचों फैमिली एक तरीके से अपने फैमिली में जो पहली शादी हो रही है इस जनरेशन की अनली वाली जो हुई थी वो कल्टिवेशन वर्ल्ड में नहीं हुई थी, वो बाहर हुई थी, तो ये फर्स्ट हो रही है, तो इसी में सबको तरह से इन्वॉल्व करके सब लोग अपने पूरे टाउन को पार्टी दे रहे हैं जिसमें सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सब लोग बहुत एक्साइट
एक्साइटेड है, बहुत खुश है। वहीं विंग बहुत नर्वस है। विंग ने एक छोटा सा अपना स्पेशल बैग भी बनाया जिसमें उसने कुछ दो तीन जोड़ी कपड़े, अपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की चीज़ें और अब कुछ पैसे जो उसके पास होते हैं वो लेकर रखा हुआ है। उसे लग रहा है चल लेगा वो आराम से पार्टी भी अटेंड कर लेगा और चुपचाप से यहाँ से निकल भी जाएगा, वो सब आराम से कर सकता है, उसे ऐसा कॉन्फिडेंस है। वहीं दूसरी तरफ आज चांसलरन को कुछ अजीब लग रहा है। मॉर्निंग से मैडम लैन ने उसे जैसे अवॉइड किया हो, ना ही वो उसे कुछ काम बता रही है, ना ही उससे कुछ ज़्यादा बातें कर रही हैं, उसे अवॉइड करते हुए घूम रही हैं, जिसका कारण अभी चांसलरन समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन ऑलरेडी उनके पास भी बहुत सारा काम है मिंग्याओ के साथ, उन्हें मिंग्याओ को रेडी करवाने जाना है, मिंग्याओ के साथ वो बिजी हैं, इसलिए वो मैडम यू के ऊपर, वो मैडम यू और मैडम लैन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी मदर का ध्यान पूरी तरह से मिंग्याओ के जाने पर बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा डर अपनी मदर का लग रहा था। उसे पता है उसके फादर तो काम में बिजी होंगे पर उसकी मदर तो उसे छोड़ती नहीं है, तो उसे उसको लगता है ये उसके लिए बहुत विन विन सिचुएशन रही है। विंग भी बहुत अच्छे से पार्टी के लिए रेडी होता है। विंग आज जब रेडी होकर बाहर आता है तो उसे लगता है आज कोई इसे देखेगा नहीं, चुपचाप से निकल के जा ही रहा था बिना कुछ ज़्यादा सोचे, जब अचानक से पीछे से कहाँ जा रहे हो तुम आवाज़ रोक लेती है। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो वांग जी उसका जैसे वेट कर रहा था उसके रूम के बिल्कुल बाहर में। ये देख के विंग शॉक होता है और बोलता है तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझे ही वेन्यू पर लेके जाना है और हाँ वेन्यू में तुम मेरे साथ ही रहोगे जब तक चांसा मदर तुम्हारे पास नहीं आएंगी। क्यों, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊँगा इतनी सारी भीड़ में, कोई मुझे उठा के ले जाएगा, स्टूपिड वाली बातें कर रहे हो, चुपचाप से तुम अपने काम पे ध्यान दो और मेरे काम पे ध्यान दो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ वेन्यू पर जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे। और ये बोलने के बाद मेरा विंग को कुछ रिस्पॉन्स करे देखकर विंग का हाथ पकड़ के वांगी उसे एक तरह से स्ट्रेच से लेते हुए चला जाता है। विंग और वांगी एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्ट्रेच से नीचे उतरते हुए वेन्यू की तरफ जा रहे हैं, या ये कह दीजिए घर के बाहर कार की तरफ जा रहे हैं। ये देख के जैनशन जो पीछे से ये सोचा था कि वो वांग जी के साथ जाएगा उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी मुट्ठी भी कस के टाइट हो जाती है। पता नहीं क्यों उसे बहुत जेलसी होती है जब विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन वो ये क्या कर रहे हैं वो तो शुरू से जानता है कि विंग और रामजी एक दूसरे से एंगेज्ड हैं, लेकिन विंग ने कहा ना कि वो तो रामजी को पसंद नहीं करता है, तो क्यों विंग अब रामजी के बिल्कुल साथ में रहता है, उसे तो रामजी से दूर हो जाना चाहिए ताकि उसे चांस लगे। वैसे कहीं ना कहीं जैनशन के दिमाग में बहुत गलत थॉट आने लगे हैं। अब उसे विंग से को देख कर ये गुस्सा होना और ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उसकी माँ का भी कारण है, लेकिन अभी उसका ये सोचना गलत है क्योंकि कहीं लॉजिकली वो विंग का एक दोस्त है और वो अपने ही दोस्त के फियांसे पे गंदी नज़र डाल रहा है जो एथिकली गलत है, लेकिन उसे अभी ये गलती नहीं लग रही, उसे तो ये लग रहा है कि विंग गलत है जो उसके और रामजी के बीच में आ गया, इसलिए आज वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन मुट्ठी भीजता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपने भाई बेटे को ऐसे परेशान होते हुए देखकर मैडम यू भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो जैनशन के साथ ही दूसरी कार से वेन्यू की तरफ जा रही थी। एक तरीके से इस कार में मैडम लैन को भी बैठाया है, खासकर मैडम यू ने, वो पूरे रास्ते जैनशन और मैडम लैन की अच्छी दोस्ती करवाने में, वो कितना अच्छा है कितना परफेक्ट है यही जताने में लगी रहती है। वहीं वेन्यू पे विंग और रामजी एक दूसरे के साथ ही आते हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसा रामजी ने कहा था वो विंग का हाथ एक पल भी छोड़ नहीं रहा है, वो बिल्कुल विंग के साथ है, जिसे विंग को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसे लग रहा है अगर ये बोरिंग अल्फा हमेशा उसके आसपास रहेगा तो वो कैसे जाएगा फिर अपनी मतलब एक तरह से कॉन्टेस्ट के लिए, इसलिए वो परेशान होके इधर उधर मुंह सड़ा के घूम रहा है। उसे लग रहा है कि वांगजी को हो क्या गया है, क्यों ये लांग वांगजी उससे इतना चिपक रहा है। उसे नहीं पता कि कल से वांगजी के लिए तो उसके विंग के मन में एक अजीब सी जेल एक प्रोटेक्शन आ गई है, उसका अल्फा परफॉर्मेंस अभी भी विंग के सराउंडिंग में, वो अभी भी विंग के मतलब आसपास ही कौन आ रहा है कौन जा रहा है विंग को कोई देख रहा है ये चीज़ भी ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं विंग तो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है लेकिन बाकी सब लोग ये चीज़ देख रहे हैं। अभी लाइन क्रेन बीच में खड़े हैं और वो भी अपने हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक लेके पी रहे हैं और स्माइल करते हुए विंग और वांगजी को देख रहे हैं। वहीं लाइन क्रेन के एक साइड पे म्यूजन है, दूसरी साइड पे बेंचिंग है और वैनिंग भी है। अब ये चारों एक साथ खड़े हैं। वहीं इस समय लांशी चैन और एक तरीके से मिंग्याओ तो बिजी हैं बेचारे, वो स्टेज पे एज अ रिसेप्शन मतलब वो ना न्यूली वेडेड कपल की तरह खड़े हैं जिनसे सब लोग आगे एक एक करके मिल रहे हैं, उन्हें विशेज दे रहे हैं, तो वो बेचारे तो वहाँ बिजी हैं, पर ये लोग बिल्कुल नीचे स्टेज के पास खड़े हुए ये देख रहे हैं और एकदम से सिप लेते हुए कुरान बोलते हैं तो बच्चा पार्टी जो मैंने देखा क्या तुमने देखा, अंकल हमने भी वही देखा जो आप देख रहे हैं, ये लांग वांगजी है या मैं किसी नए लांग वांगजी को देख रही हूँ। अब वांगजी अपने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए बोलती है
नहीं, ये वही लांगवांग जी है जो हमेशा मुंह सड़ाया हुआ सड़ू बन के घुमा रहता था। ये बोरिंग सड़ा सा अल्फा अचानक से इतना एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रोमांटिक कब से हो गया? तुमने देखा है, इसने एक सेकंड के लिए भी विंग का हाथ नहीं छोड़ा है। मुझे तो ये न्यू वेड कपल से ज्यादा कपल लग रहे हैं। देखा तुमने, मैं यहाँ ऊपर खड़े मिंग्याओ और शिचेनगा को, वो लोग तो फिर भी एक साथ खड़े हैं। ये दोनों की तरह हाथ पकड़ के नहीं घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चारों खड़े हुए अपने अपने कोल्ड ड्रिंक के मजे ले रहे हैं। ये नज़ारा देखते हैं अम्मी सैन जो फ्लो फ्लो में ध्यान ही नहीं देता और एकदम से बोल बैठता है, लेकिन ये दोनों आज ये नाटक क्यों कर रहे हैं? कल तक तो ये दोनों ही हर हाल में अपनी ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे। मुझे तो लग रहा था ये दोनों एक दूसरे से शादी भी नहीं करना चाहते। क्या बोला तुमने? अब अचानक से कुरैन जब ये बोलते हैं, जो जूस पिला था वो उसके गले में अटक जाता है और वो घबरा जाता है कि क्या उसने फ्लो फ्लो में सच बोल दिया। अब एकदम से एक्सक्यूज करता है, कुछ नहीं, हम सब ने सुना। क्या छुपा रहे हो तुम हम सब से? अब तीनों घूर घूर के नी हुसैन को देखने लगते हैं। अब नी हुसैन घबराते हुए बोलते हैं, वो एक्चुअली अब नी हुसैन उस दिन के रूम की सारी बातें बताता है, जिसे सुन के वेंचिंग वेनिंग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और कुरैन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अब कुरैन बोलते हैं, डोंट वरी बच्चा पार्टी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। चाहे तो लगी शर्त क्या अंकल, आप हमेशा शर्त लगाते रहते हो और आपको के पास तो पैसे की कमी नहीं पर हमारी पॉकेट मनी छीन लेते हो। मुझे लगता है इस बार नी हुसैन की बात में ज़्यादा सही है, मुझे भी लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। पक्का ये लोग ये एंगेजमेंट तोड़ ही देंगे। तुम्हें लग रहा है ये एंगेजमेंट टूटना इतना हलवा है? ये मेरे फादर के द्वारा करवाई हुई एंगेजमेंट है बच्चा पार्टी, मुझे पता है ये एंगेजमेंट टूटने वाली नहीं है और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही मेट बनेंगे, इन दोनों की ही शादी होगी। ये अल्फा एंड ओमेगा एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे और मांग भी करेंगे। लगाओ शर्त। नहीं, आपसे शर्त लगा के हम हमेशा हार जाते हैं, पर मैं तो इस बार शर्त जरूर लगाऊंगा, एकदम से नी हुसैन बोलता है और एकदम से कुछ पैसे अंकल के हाथ में रख देता है। तो शर्त लगी, इन दोनों की एंगेजमेंट जरूर टूटेगी, क्योंकि मैंने देखा था कि नांग वांग जी भी वी वुशान से एंगेजमेंट नहीं करना चाहता और वी वुशान का तो हम सब जानते हैं, वी ब्रदर तो कभी एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहते। तो देखते हैं तुम जीतोगे या मैं। नी हुसैन और कुरैन ने शर्त लगा ली, लेकिन वेंचिंग और वैनिंग तो इससे दूर ही रहे और अपना पार्टी एंजॉय करते रहे। मम्मी जो अब बहुत फर्स्ट्रेट हो गया, अब एकदम से वांगजी से दूर होता है और बोलता है, ओह रंजा क्यों मुझे इतना परेशान करो, मैं यहाँ सबको जानता हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं, तुम इतना ज़्यादा मेरे साथ क्यों घूम रहे हो? जाओ अंकल की मदद करो, जाओ जाओ जाओ, फादर तुम्हें ढूंढ रहे हैं और हाँ अभी थोड़ी देर पहले चिंगी जून बाबा भी आए थे, वो भी तुम्हें ढूंढ रहे, जाओ 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 सबसे मिल के आओ, उधर देखो ब्रदर भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सबको याद दिला रहा है, ये भी ढूंढ रहा है, वो भी ढूंढ रहा है। वांगजी विंग को घूरता है और बोलता है, तुम्हें मेरे साथ रहने में दिक्कत क्या हो रही है? क्या मैं तुम्हें काट रहा हूँ? नहीं, तुम मुझे काट नहीं रहो, लेकिन तुम्हारे सराउंडिंग के ये नेगेटिव ओह बोरिंग एनवायरनमेंट मुझे सफोकेट फील करवा रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे थोड़ा सा फ्री होने दो और मेरे को मेरे दोस्तों के पास जाने दो। और ये बोल के विंग गुस्से में वांगजी से अपना हाथ छुड़वा के आप जहाँ पे कुरैन नी हुसैन और ये लोग खड़े थे उस तरफ चला जाता है। वही विंग जब देखता है कि वांगजी जब देखता है कि विंग जा ही अपने फैमिली मेंबर्स के पास रहा है तो वो भी उसे अवॉइड करके सचमुच में दूसरे काम में लग जाते हैं। वही विंग जब देखता है अब वांगजी का बिल्कुल उसके ऊपर से ध्यान जा चुका है तो वो थोड़ी देर में जब देखता है कि मौका मिल गया, सब लोग बिजी हैं और उसके पास चांस है, तो चुपचाप से अपना बैग लेके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग अपने अपनी जगह बिजी हैं, कोई किसी को नोटिस ही नहीं होता, विंग गायब है, कहीं ना कहीं मैडम आज मैं मैडम यू आपने शो ऑफ में बिजी थी और चिंगे जुन का साथ देने में, वहीं भी चांस है सब अरेंजमेंट में वांगजी के साथ ध्यान रखने में और वहीं चांसा सरन किशी चैन और मिंग्याओ का स्टेज पर ध्यान रखने में बिजी थी। किसी की ध्यान आज विंग पे ना होना सचमुच विंग के लिए काम कर जाता है। विंग वहाँ से बिना किसी से बोले वेन्यू से निकल के सीधा बस स्टॉप ही पहुँच जाता है और तुरंत जिस जगह का एड्रेस उसे मिला है उस सिटी के लिए बस में बैठ जाता है। विंग जानता है कि वो इस समय अपने घर से छुप के इस तरीके से जा तो रहा है लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए ही कर रहा है और आज का पार्ट यहीं रुकता है, सो कल देखेंगे आगे क्या होगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा।